हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ कोरल ड्रॉ के अंदर जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, इसको हम लीफलेट या फिर पैम्पलेट भी बोलते हैं, जो कि किसी कोचिंग सेंटर का है। ये अगर मुझे डिज़ाइन करना हो कोरल ड्रॉ के लिए तो मैं कैसे करूँगा, बता दूँ आपको। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि अगर आपको बल्क में प्रिंटिंग करवानी है पैम्पलेट की या किसी पोस्टर्स की, तो उनको जो प्रिंटर वाले होते हैं उनको फॉर्मेट चाहिए होता है CDR का। तो CDR फाइल अगर नहीं देंगे तो प्रिंट वो नहीं कर पाएंगे, तो हमारे को पावर पॉइंट में वर्ड में टाइप करके बिल्कुल डिटो कॉपी बना के कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो हमें वो काम कोरल ड्रॉ के अंदर ही करना है। तो जो कोई व्यूअर अभी पहले आया है इस वीडियो के अंदर, फर्स्ट टाइम आया है, तो जो मेरी प्लेलिस्ट है कोरल ड्रॉ की, जिसमें पहले वीडियो कुछ लोड कर चुका हूँ, तो अगर आप वो डे वन से चेक करेंगे तो आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि कोरल ड्रॉ का यूज़ क्या है, किस तरह से किया जाता है इसके ऊपर काम। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया, तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन पर प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो आए किसी भी टॉपिक के ऊपर उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। सबसे पहले जान लेते हैं साइज़ क्या है इसका। देखिए साइज है 7 इंच बाय 10 इंच। तो 7 इंच हमारा क्या है, ये है, और 10 इंच हमारा ये है। तो इस पैटर्न को मुझे बनाना है जिसमें एक टेक्स्ट बॉक्स है और टेक्स्ट पैटर्न है, एक शेप टूल है और एक इमेज है, बाकी सारा काम सेटिंग का है और कुछ नहीं है। सबसे पहले लेता हूँ रेक्टेंगल टूल, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F6। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ या फिर फंक्शन की प्रेस करूँगा F6, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉइंटर चेंज हो जाएगा रेक्टेंगल के लिए। तो यहाँ से मैंने रेक्टेंगल लिया। अब इसका साइज़ क्या, देखिए यहाँ पे आ रहा है 6.5 ऐसे है विड्थ में, और हाइट में है 10। तो यहाँ पे कितना है, मैं पहले करता हूँ हाइट 10 इंच, तो मैंने यहाँ पे दिया 10, और जो मेरी यहाँ पे विड्थ है वो है 7, तो मैंने यहाँ पे दी 7। तो ये मेरा साइज बन गया है 7 बाय 10 का। अब ये जो पैटर्न देखिए, थोड़ा सा वाइट के ऊपर गैप है, नीचे गैप बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर गैप है। अब सारा खेल शुरू यहाँ से होता है। तो अब ऐसा नहीं करूँगा कि मैं नए नए ऐसे बॉक्स बनाऊँगा फिर मैं उसको उठा के सेटिंग करूँगा, वो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेस करता हूँ Ctrl+C Ctrl+V। मैंने क्या किया, इसको कॉपी एंड पेस्ट। तो इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कॉपी और बन चुकी है, हालांकि आपको दिखाई नहीं दे रही, दिखाई कब देगी जब मैं इसको छोटा करूंगा। तो आप देखिए, मैं इसको यहां से क्लिक करता हूं और इसको ऊपर की ओर ले जाता हूं, कुछ इस तरह से हो गया छोटा। अब देखो ये अलग है और ये अलग है। तो देखिए ऊपर जो एक गैप आ रहा है वाइट रंग का, तो इसको मैं डाउन एरो की से इसको नीचे ले आता हूं, कुछ इस तरह से। और इसका जो कलर करना है वो आप कलर कर लीजिए, और आउटलाइनिंग जो है जो ब्लैक में आ रही है इसको आप कर दीजिए ना, मुझे आउटलाइनिंग नहीं चाहिए। तो ये मेरा बॉक्स बन गया। इसके बाद बात करता हूँ कि मुझे एक और चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ही बॉक्स को क्लिक करता हूँ और Ctrl+C Ctrl+V अगेन। अब मैं इसको क्या करूँगा, ऊपर से नीचे की ओर लेके जाऊँगा। तो मैं अब इसको यहाँ पे ले आया। अब मेरे को सेम कलर चाहिए तो मैंने यहाँ पे कलर किया, और आउटलाइनिंग मुझे नहीं चाहिए तो मैंने कर दिया न। तो ये मेरा टॉप एंड बॉटम का पैटर्न कुछ हद तक बन गया है, ठीक है। अब हम लिखेंगे टेक्स्ट। तो टेक्स्ट लिखना है तो मैं यहाँ पे लूंगा F8 फंक्शन की, या फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा F इस टूल के ऊपर, तो बात एक ही है। बट मेक श्योर कि आपको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ नहीं करना, अगर आप ड्रॉ करेंगे तो वो फ्रेम बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं करता हूँ डिलीट। मुझे क्या करना है, सिंपल टेक्स्ट पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक कर देना है, मुझे ऐसे पूरा बॉक्स नहीं बनाना, नहीं तो फ्रेम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर्सर आ गया, अब जो आपको लिखना है लिख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपर्ट, उसके बाद फिर सेकंड कोचिंग क्लासेस, उसके बाद फिर बेस्ट क्लासेस फॉर, अब वो अलग है और नीचे वाला अलग है। तो मैं इसको करता हूँ दोबारा से CBSE पैटर्न। अब बेसिकली क्या हुआ, ये चीज़ें अलग अलग बन गई, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। और इसी के बाद मैं और लेता हूँ नीचे क्या लिखा है, कॉल मी, और फिर उसके बाद एंटर नो नीड, फिर मैं अलग से करता हूँ। तो जो भी इनके नंबर्स हैं वो आप डमी नंबर कुछ भी डाल दीजिए, मैं यहाँ पे डमी नंबर कुछ भी प्रेस कर लेता हूँ। हालांकि जब अगर आप डिज़ाइनिंग की जॉब करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको बहुत ध्यान से टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी गलती होगी तो पूरी की पूरी जॉब खराब हो जाती है। और अगर आप डिज़ाइनर हैं किसी फार्मा कंपनी के अंदर, तो हल्का सा भी गलती है ना, पूरा का पूरा बैच अलॉट खराब कर देती है, और उसकी प्रिंटिंग जो कॉस्ट है बहुत भारी पड़ती है। तो बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है डिजाइनर की, कि बिल्कुल भी गलत ना हो। लाइक फॉर एग्जांपल, किसी ने विजिटिंग कार्ड छपवाया और उसका फ़ोन नंबर था, और लास्ट में 4 की जगह उन्होंने 5 कर दिया या 3 कर दिया, तो अगर ना गड़बड़, तो उसने अगर क्वांटिटी छपवाई होगी 1000 या 2000, वो सब वर्थ होगी, सारी बेकार होगी, जीरो होगी वो। तो करेक्शन
जो है उसका आपको मौका देना ही नहीं है सामने वाले पर्सन को, जो उसने डिज़ाइन के लिए दिया है बिल्कुल एग्जैक्ट आपको वैसे ही टाइप करना है। डाटा में कोई भी कैरेक्टर में कोई भी नंबर में कोई भी गलती किस तरह की नहीं चाहिए। बट मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए नंबर मैंने यहाँ से कुछ डमी टाइप कर दिया, बट आपको अगर ये टाइप करना है तो आपको पूरा वही लेना पड़ेगा। अब मैं इसकी सेटिंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको लेके आया इस तरफ और यहाँ पे कोना पकड़ के इसको सेंटर करता हूँ और कलर करता हूँ वाइट और यहाँ पे कर देता हूँ बोल्ड। सारा का सारा खेल जो है ना वो इसी चीज़ का है। इसके बाद फिर आएगा कॉल मी, तो कॉल मी लेके आया मैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया ये जूम टूल लिया, अदरवाइज आप जेड भी कर सकते हो। देखिए जेड यहाँ पे शो होता है ना, यहाँ पे जेड लिखा आ रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इतने एरिया को इस टूल के अंदर ले आइए तो उतना एरिया जूम हो जाएगा। अब मैं इसको भी चेंज करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ बोल्ड और कलर करता हूँ वाइट। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये सेंटर है कि नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं सिलेक्ट करूँगा इस टेक्स्ट को और फिर मैं टेक्स्ट करूँगा बॉक्स को, या फिर बिग टूल लेके इनको पूरे को मैं ऐसे इस फ्रेम के अंदर ले आता हूँ तो तीनों सेलेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और यहाँ पे करता हूँ सी, तो देखिए सी करते ही वहाँ पे सेंटर ऑटोमेटिक हो गया। अब हालांकि जगह यहाँ पे बहुत स्पेस बची हुई है, तो अगर आप इसको भी प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ तो ये दोनों ओर से बराबर चलेगा कुछ इस तरह से, और डाउन एरो करके ऐसे कर लीजिए। तो अगर आप, मैं कोशिश करूँगा सेंटर करने की, तो आप देखिए ये ऑटोमेटिकली सेंटर ही है। मैंने यहाँ पे किया एल लेफ्ट हो गया, आर राइट हो गया और सी मैंने प्रेस किया सेंटर, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट सेंटर में हो गया। यहाँ पे मैंने कर दिया टू फिट, मीन्स जितना है उतना आ जाए। तो ये कॉल मी बहुत लग रहा है बड़ा एज कम्पेयर टू दिस, तो इसको मैं शिफ्ट दबा के छोटा करता हूँ ताकि ये चारों ओर से छोटा हो जाए। इसके बाद यहाँ पे एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट को मैं लेके गया इधर और इसको यहाँ पे करता हूँ बड़ा। यहाँ पे जो फॉन्ट है वो है आपका एरियल ब्लैक, कलर लिया मैंने यहाँ पे वाइट और इसको यहाँ पे और बड़ा कर सकते हैं। अब इसको भी सेंटर में करना है तो सिलेक्ट किया मैंने बॉक्स को और टेक्स्ट को, मैंने यहाँ पे किया सी सेंटर और ई सेंटर। तो ई इसलिए होता है बेसिकली, ई ऐसे होता है वर्टिकली, मीन्स टॉप सेंटर और बॉटम, और ये क्या है लेफ्ट सेंटर और राइट। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करने के बाद अगर प्रेस करता हूँ टी, तो देखो टॉप पे चला गया, बी प्रेस किया तो बॉटम हो गया और ई प्रेस किया तो सेंटर हो गया, विच मीन्स ऐसे। अगर मुझे ऐसे जाना है तो देखिए एल लेफ्ट, आर राइट और सी सेंटर, तो ये देखो दोनों का सेंटर ऑटोमेटिकली हो गया। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है ना, तो यहाँ पे बहुत कम है, तो इसको आप शिफ्ट दबा के कीजिए ताकि दोनों ओर से ये बराबर आए। दैट्स इट। इसके बाद बात करते हैं कोचिंग क्लासेस की, तो कोचिंग क्लासेस हमारा ई से हल्का सा बाहर आ रहा है और टी से हल्का सा बाहर जा रहा है कुछ इस तरह से। इसको भी हम क्या कर देंगे फॉन्ट एरियल ब्लैक और इसका कलर ब्लू और इसको हल्का सा नीचे की ओर भी खींच सकते हैं जैसे वहां पे खींचा हुआ है और शिफ्ट दबा के इस बॉक्स के साथ बेसिकली क्या है, मैंने इस टेक्स्ट को क्लिक किया और इस बॉक्स को क्लिक किया, तो मैंने एक्सपर्ट को क्लिक नहीं किया, सिर्फ बॉक्स है और कोचिंग क्लासेस है। मैंने किया देखो एल लेफ्ट, आर राइट और सी सेंटर, तो ये सेंटर हो गया। हालांकि इसका जो गैप है वो आप मैन्युअली अप डाउन एरो की से कर सकते हो, जितना भी आपको स्पेस वहां पे सेट करनी है। इसके बाद हम बात करते हैं कोचिंग क्लासेस के बाद फिर आएगा यहाँ पे बेस्ट क्लासेस, बेस्ट क्लासेस फॉर, तो मैंने यहाँ पे शुरू किया इधर कोचिंग क्लासेस से और इसको मैं लेके आया तकरीबन यहाँ तक और फिर आया सीबीएसई पैटर्न, तो ये मेरा बोर्ड आएगा और फॉन्ट इसका थोड़ा सा मोटा है एरियल ब्लैक और इसको भी मैं फॉर तक लेके आऊँगा, तो ये कुछ आपका पैटर्न हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, इस इमेज की। तो मुझे इमेज चाहिए, तो इमेज मेरे पास डाउनलोड है, तो इमेज जो है मैं आपको अपने गूगल ड्राइव में डाल दूंगा, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से जाके आप उस इमेज को कर सकते हैं डाउनलोड अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो मैं जाता हूं यहां पे फाइल में और मुझे कोई फोटो इंसर्ट करनी है, तो मैं यहां पे करूंगा इंपोर्ट, इसकी शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल आई, और जहां पे फाइल पड़ी होगी वहां से वो फाइल निकाल के आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहां पे ले ली फाइल ये वाली, तो अब इस फोटो को देखिए, ये तो इसका मुंह इस तरफ है तो इसका मुंह इस तरफ है, तो मुझे इस तरफ को मुंह करना है, तो मैं क्या करूंगा, आप यहां से पकड़िए और इसको इस तरफ को ले आइए, तो उसका जो फेस है वो इस तरफ हो जाएगा। तो यहां पे मैं इसका फेस रखता हूं कुछ इस तरह से। अब मेक श्योर कि जो ये आपका टेक्स्ट है इसको आप इमेज छोटा कर लीजिए, और अगर आपको लगता है देखिए कि फालतू की ये टेक्स्ट आ रहा है, मतलब देखिए यहां तक आना चाहिए ना आपका,
बट ये फालतू की स्पेस आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ क्रॉप करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया क्रॉप टूल, तो जितना भी एरिया आपको चाहिए उतना एरिया आप ले लीजिए, बाकी सब आप क्रॉप कर लीजिए, बाकी हमें नहीं चाहिए ताकि स्पेस मेरी कम से कम वेस्ट हो। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ क्रॉप। तो देखिए उतना साइज मेरा फालतू पहले आ रहा था वो कट गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस फोटो को लिया मैंने और इसके साथ रखा मेन बॉक्स के साथ, और मैंने कर दिया आर राइट, तो आर से राइट हो गया। और इसको मैं डाउन एरो की से इस ब्लू बॉक्स के साथ टच कर देता हूँ ताकि ये एक साथ लगे कुछ इस तरह से। तो ये बन गई फोटो, और इसको अगर आपने ऊपर करना है या फिर इस तरफ को मूव करना है तो आप कर सकते हैं जैसे वहाँ पे आ रहा है। और ये थोड़ा सा आपका ये दो टेक्स्ट जो हैं इसको आप लेफ्ट करके हल्का सा इधर ले आइए। और CBSE को बड़ा करना है तो अकेला सेलेक्ट करेंगे CBSE को, और यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है उसको हम बढ़ा देंगे। तो मैंने यहाँ पे किया 48, 48 की जगह आप 40 कर लीजिए, तो मैंने यहाँ पे कर लिया 40, और इसका जो साइज़ है हल्का सा कम कर लिया। तो CBSE जो है हमारा बड़ा दिख रहा है, बाकी पैटर्न जो है हमारा वो नॉर्मल हो गया। राइट, अब मुझे लिखने हैं ये चार चीज़ें 1, 2, 3 एंड 4। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लेता हूँ शेप टूल, और शेप टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँगा। अब क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ करने का इसके जो कॉर्नर्स हैं देखिए वो राउंड नहीं आ रहे, है ना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आती है, जब मैं इस बॉक्स को क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी ये वाली, ठीक है, कॉर्नर रेडियस। तो ये आपका टॉप लेफ्ट है, ये बॉटम लेफ्ट है, ये आपका टॉप राइट है, ये आपका बॉटम राइट है। तो आप चाहते हो कि चारों ओर से हो, क्योंकि देखो चारों ओर से हो रहे ना ये, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ग्रुप टुगेदर पे, ठीक है। अब ये ग्रुप हो गया, अब किसी एक को करूँगा ना तो वो चारों चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं इसको ऑफ रखूँगा तो फिर अगर मैं एक पे करूँगा तो अकेला एक ही होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ करके, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको बढ़ाया 0.20, 0.30 कर दिया, देखो 0.30 यहाँ पर है, तो देखिए 0.30 सिर्फ यहाँ पे हुआ, बाकी तो नहीं ना हुए, बाकी एज इट इज़ है। तो मैं यहाँ पे इसको जीरो कर देता हूँ, मेरे को चारों ओर से करना है तो मैं यहाँ पे ग्रुप करता हूँ, और ग्रुप करने के बाद यहाँ डाल देता हूँ क्या 0.5। और बढ़ाना है तो आप और बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप ये देखिए ये आपकी शेप कन्वर्ट हो गई। इसके अलावा तरीका और भी है क्या, कि अगर मैंने ऐसे शेप ली है ना, तो आप यहाँ पे ये शेप टूल लीजिए और शेप टूल F10 फंक्शन की सी आ जाती है, उसके बाद आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, तो जैसा आपको लगे वैसे आप कर सकते हो। तो मैंने दोनों ही बता दिए, एक बता दिया आपको कॉर्नर रेडियस और एक बता दिया मैंने आपको शेप रूल से, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ डिलीट नहीं करता, मैं इसको नीचे ले आता हूँ, मुझे और भी चाहिए होगा नहीं, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे साइज विड्थ सेम चाहिए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने किया कंट्रोल डी डुप्लीकेट और इसको नीचे ले आया, और फिर किया कंट्रोल डी नीचे ले आया। अब सारा खेल इसी का है, तो इस खेल में हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ क्लास फर्स्ट टू एट्थ, उसके बाद एंटर करके ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। ये अब ऑब्जेक्ट आपका एक ही बन गया, तो इसको मैंने कलर किया फिल कलर ये, और जो हेयर लाइन है वो मैंने कर दी नन, ठीक है, इससे लाइन खत्म हो गई। और इसको मैं इसके अंदर यहाँ पे लेके आया और अलाइन को मैंने कर दिया सेंटर, और कलर कर दिया मैंने वाइट, और बोल्ड अगर आपने करना है तो आप बोल्ड कर सकते हैं। अब इसमें जो है देखिए गैप आ रहा है ना टेक्स्ट लाइन के बीच में, इसमें गैप नहीं है, तो अगर आपने इसमें गैप क्रिएट करना है तो आप टेक्स्ट टूल में जाइएगा और यहाँ पे लीजिए आप क्या यहाँ पे टेक्स्ट, और यहाँ से लेंगे हम लोग जो हाइट है 100% है, इसको मैं हाइट को बढ़ाऊंगा। तो देखिए वहाँ से हाइट की बढ़ रही है, ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे 110 कर दिया, तो 110 किया देखिए, तो यहाँ पे लाइन में गैप बढ़ गया। और बढ़ाना है तो मैं यहाँ से और गैप कर लेता हूँ, मैंने 116 कर दिया तो गैप और बढ़ गया। तो जितना आपको चाहिए उतना आप कर सकते हैं। फॉन्ट थोड़ा सा मोटा करना है तो आप मोटा कर सकते हैं, और इसको छोटा कर दीजिए। अब देखिए गैप ज़्यादा आ गया, तो मैं इसको यहाँ से कम कर लेता हूँ, इसकी जो हाइट है इनमें जो लाइंस के बीच में गैप है। तो मैंने सेट किया दोनों को, विच मीन्स फ्रेम और टेक्स्ट को, और मैंने किया सी सेंटर और ई सेंटर, विच मीन्स वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों ओर से मैंने सेंटर कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं, मैं इसको यहाँ से ऊपर लेके गया, ऊपर लेके गया तो थोड़ा सा गैप में रखा कम, और अब इसमें क्या आएगा, यही टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट और नीचे ले आता हूँ, और इसमें टेक्स्ट कर लेता हूँ कलर फिल कलर ये और बॉर्डर नन। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्लास 9th to 12th, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9th to 12th, और इसमें है सिर्फ मैथ एंड साइंस नॉट ऑल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैथ एंड साइंस। अब मैं इसको कोशिश करता हूँ इसके अंदर लेके आने की, तो मैं साथ में क्लिक करता हूँ दोनों को सी और ई, ठीक है। अब ये टेक्स्ट बड़ा है
तो मैं इसको टेक्स्ट को छोटा करता हूँ मैन्युअली शिफ्ट दबा के, तो ये छोटा हो गया। फिर हम बात करते हैं अगले ऑब्जेक्ट की, तो ये थोड़ा छोटा है तो इसको मैंने इकट्ठा कर दिया कंट्रोल जी करके ग्रुप और साइज का छोटा कर दिया, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो ये छोटा आ रहा है, बड़ा छोटा और थोड़ा सा छोटा। उसके बाद ये और छोटा आएगा तो मैंने यहाँ पे और छोटा किया, कलर किया ये और फिल कलर किया नन। अब यहाँ पे मैंने फिर टेक्स्ट को लिया SSC ब्रैकेट स्टार्ट GD हाइफन CHSL एंड ब्रैकेट बंद। तो इसका जो फॉन्ट साइज है मुझे छोटा करना है, इसको आप यहाँ पे जूम कर दीजिए, जूम करने के बाद थोड़ा सा इजी हो जाता है इसके ऊपर काम करना। अब मैं यहाँ पे करता हूँ टू फिट, तो आप देखेंगे ये यहाँ पर आ गया है। इसकी जो हाइट भी है छोटी करनी पड़ेगी आपको, हाइट छोटी की है, फॉन्ट साइज भी आप यहाँ से कम कर सकते हो। और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद C and E विच मीन्स अलाइनमेंट करनी है आपको हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, और इसको भी कर दो आप यहाँ पे कंट्रोल जे ग्रुप। अब आपको देखो यहाँ पे गैप कम है, ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे और कम है, विच मीन्स कि वो इस तरह से आ रहा है टेढ़ा, सीधा नहीं आ रहा। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इधर से मैं लूँगा स्केल, तो मैंने ये स्केल पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। स्केल लेने के बाद आपको क्या करना है, व्यू में जाके आपको स्नैप टू करना है क्या गाइडलाइन, ठीक है। पहले क्या करना है आपको, ये स्केल लेना है, ये स्केल लेने के बाद आपको क्या करना है व्यू में जाके फिर जाना है स्नैप टू, स्नैप टू में आपको सारी ऑफ करके सिर्फ एक ऑन करनी है गाइडलाइन, क्योंकि इस जो लाइन को हम लेते हैं इसको बोलते हैं गाइडलाइन। अब इसे होगा क्या दिखाता हूँ आपको, पहले मैं इसको जूम करता हूँ इतने एरिए को। अब देखिए आप खुद देखिए कि लाइन कहाँ जा रही है, देखिए लाइन से बाहर जा रहा है, ये टच कर रहा है, लाइन से अंदर है। अब क्योंकि ये ग्रुप नहीं है तो इसको पहले मैं ग्रुप कर लेता हूँ कंट्रोल जी, ये ग्रुप है और ये भी ग्रुप है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको मैं जैसे ही मूव करूँगा ना, देखिए ये लाइन एक क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, है ना, लाइन के साथ टच करता है, विच मीन्स कि खींचेगा चुंबक की तरह ये वाली चीज़। इसी के बाद जब मैं यहाँ जाऊँगा देखिए ये भी लाइन आ गई, और जब मैं यहाँ जाऊँगा तो ये भी लाइन आ गई। तो आप देखिए पैरेलली ये सभी जो हैं अब प्रॉपर अलाइंड हो गए, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है गाइडलाइन करने के बाद आपको स्नैप टू गाइडलाइन करना है ताकि बिल्कुल 0-0 एग्जैक्ट आए, ठीक है, उससे गलती बिल्कुल भी नहीं करेगा ये। फिर मैं क्या करूँगा, इस पे क्लिक करके गाइडलाइन पे रिमूव कर दूंगा, अभी होगी डिलीट। फिर मैं चलता हूँ यहाँ पे फिट, और फिट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये पैटर्न बन गया है, और इसका जो कलर आ रहा है बॉर्डर, इसका बॉर्डर का जो कलर है इसको चेंज करते हैं। तो मैं इसका कलर कर देता हूँ ग्रे, कुछ ये वाला, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे करूँगा सेट आउटलाइन कलर। देखिए कलर लाइट हो गया, ये देखिए। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे ये चाहिए एडमिशन ओपन, मैंने टेक्स्ट लिखा और यहाँ पे लिया मैंने क्या एडमिशन, एंटर किया ओपन, और इसको मैंने यहाँ पे किया अलाइनमेंट लेफ्ट सेंटर राइट, जो भी आपको चाहिए मैंने यहाँ पे किया सेंटर। और उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगा अब ये स्टार, तो अब स्टार कैसे आएगा, यहाँ पे शेप टूल ली और आपने यहाँ पे स्टार ले लिया और यहाँ पे स्टार ड्रॉ किया। अब आप कहेंगे स्टार तो सर ये 5 आए हैं तो मुझे ज़्यादा चाहिए, तो नो वरीज, 5 के बाद आप यहाँ इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। कितने आपको चाहिए, अगर आप यहाँ से ही लेंगे तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, मैं आपसे इसके साइड बढ़ाता हूँ, जितनी आपको साइड चाहिए उतनी साइड्स आपकी बढ़ती चली जाएंगी और इसको आप यहाँ से ऐसे खींच सकते हैं। तो ये पैटर्न बन गया, और इसके बाद फिर बीच वाली नोट को क्लिक करके आप इसको बाहर को ले जाइए, तो इस तरह से ये पैटर्न आपका बन जाएगा। और मैंने यहाँ पे लिया कलर और इसका बॉर्डर जो है मैंने कर दिया नन। नन करने के बाद आप इस इमेज को छोटा करके यहाँ पे ले आइए, कुछ इस तरह से, ठीक है। और एडमिशन ओपन जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, और ये हो गया कलर वाइट और ये हो गया बोल्ड, तो अब ये चला गया पीछे, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, मैंने यहाँ पे किया जेड जूम और इसको घुमाता हूँ तो यहाँ पे आ गया। अब जो टेक्स्ट टूल है ना हमारा, वो इसके चला गया पीछे, है ना, तो मुझे वो आगे लेके आना है, तो पहले तो लोकेट करना पड़ेगा मुझे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, व्यू में जाके यहाँ पे करूँगा वायर फ्रेम। वायर फ्रेम से बेसिकली क्या होता है कि ढांचा होता है, इसको बोलते हैं स्केलेटन, वो आपको पूरा शो करता है कौन कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे प्लेस है। तो ये देखिए ये हमारा ये टेक्स्ट आ गया। अगर मैं यहाँ पे इनहांस करूँगा तो अब देखिए ये दिख रहा है ना हमारे को, बट अगर मैं ऐसे क्लिक करता रहूँगा तो पता नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेटर है कि व्यू में जाके आप कर लो वायर फ्रेम, अगर आप किसी चीज़ को प्लेस करके भूल जाते हैं तो। फिर मैंने यहाँ पे किया एडमिशन ओपन और यहाँ पे करूँगा शिफ्ट के साथ पेज अप की। शिफ्ट पेज अप से क्या होगा कि वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाएगा, और अगर पेज डाउन करूँगा तो वो नीचे चला जाएगा, तो नीचे तो पहले था ऑलरेडी, तो मुझे तो ऊपर लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा पेज अप। इसके बाद जाऊंगा व्यू में और इनहांस, तो आप देखोगे टेक्स्ट आपका ऊपर ऑलरेडी आ चुका होगा। इसको मैं करता हूँ बड़ा
और बड़ा करने के बाद दोनों पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे किया सी एंड ई सेंटर। और इसको अगर नीचे भी करना चाहते हो तो आप इसको टेक्स्ट को हल्का सा कर सकते हो क्योंकि जगह बहुत है हमारे पास। और दोनों को क्लिक किया और मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल जी ग्रुप, ठीक है। अब आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा पैम्पलेट मेरा तैयार हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे करूँगा कंट्रोल जी ग्रुप। सो फाइनली ये मेरा बन गया है पैम्पलेट। सो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने आज बताने की कोशिश की है इस वीडियो के थ्रू कि हाउ टू डिज़ाइन अ पैम्पलेट इन कॉरल ड्रॉ फॉर बल्क प्रिंटिंग, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई भी अगर डाउट रहता है किसी भी तरह का तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के भी शेयर करना, कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे वीडियोस के लिए, और हाँ बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो आए किसी भी टॉपिक के ऊपर उसकी जानकारी आप तक पहुँच सके। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।